अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज के इस वक्त में टेक्नोलॉजी हर एक चीज में इस्तेमाल की जाती है। आज हम हमारे हर एक काम को आसान करने के लिए नई टेक्नोलॉजी को बना रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको फार्मिंग में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ बेहद हाई टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे, जिसे जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, जेलर मिक्सचर मशीन। दोस्तों इस मशीन का काफी सिंपल सा काम होता है और वो है गाय और भैंसों के चारे को सही से मिक्स करना। आपको पता है कि गाय और भैंसों के कई तरह के चारे खिलाए जाते हैं जिन्हें मिक्स करना पड़ता है। इस काम को करने के लिए और इसे आसान बनाने के लिए इस मशीन को बनाया गया है और ये मशीन इतनी हाई टेक है कि एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। यानी कि अगर आपके पास बहुत सारी गाय भैंस हैं तो बस आप इसमें चारा डालिए और आगे बढ़ते हुए सबके आगे ये मशीन खुद ब खुद चारा डालेगी। नंबर 2, हूफ केयर स्टैंड। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल ज्यादातर बड़े जानवरों के लिए किया जाता है। जब इनके पैरों के नाखून काटने होते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर गाय की बात करें तो हर एक साल में इनके पैरों के नाखून को काटना पड़ता है और इस काम को करने में काफी ज्यादा मुश्किलें पेश आया करती थी, लेकिन इस मशीन के आने के बाद ये काम काफी आसान हो गया है। सबसे पहले इसमें गाय को डाला जाता है और फिर इसके सर और पेट को फंसाया जाता है ताकि वो ज्यादा हिल ना सके। इसके बाद इसके पैरों को भी बांध दिया जाता है और फिर कटर की मदद से इनके नाखून काटे जाते हैं। नंबर 3, हैंड मेकिंग मशीन। दोस्तों ये मशीन दूध निकालने के काम आती है। ये काफी सिंपल और सस्ती मशीन है। इसे पहले तो थनों से जोड़ा जाता है और उसके बाद इस ट्रिगर को दबाने से दूध ऑटोमेटिकली इस बोतल में स्टोर होता रहता है। दोस्तों कई जगह पर इस तरह की बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीन का इस्तेमाल किया जाता है जो गाय के थनों पर काफी प्रेशर डालती हैं और इससे गाय को काफी दर्द उठाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ये मशीन गाय को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती और अपना काम आसानी से कर लेती है। नंबर 4, लैली डिस्कवरी। दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है जो 24 घंटे काम करती है और गाय के रहने वाली जगह को पूरी तरह से साफ रखती है। गाय, भैंस, घोड़े, बकरी, आपके पास किसी भी तरह का कोई भी जानवर क्यों ना हो, ये हर जगह पर गंदगी को साफ करने का काम कर सकती है। नंबर 5, हिप लिफ्टिंग क्लैंप। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि गाय भैंस बेहद बीमार हो जाती हैं और ऐसे में इनको उठाना तकरीबन नामुमकिन काम होता है क्योंकि इनका वजन बेहद ज्यादा होता है और ये बीमार भी होते हैं जिनकी वजह से ये अपनी ताकत बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर पाते। दोस्तों इस काम को आसान करने के लिए इस मशीन को बनाया गया है। दोस्तों गाय, भैंस, घोड़े ऐसे जानवर होते हैं जिनके हिप्स बेहद ही ताकतवर होते हैं और इसी वजह से इनके हिप्स को उठाने के लिए ऐसे क्लैंप का इस्तेमाल किया जाता है और ऐसे आसानी से गाय भैंस को उठाकर ट्रक में डालकर हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। नंबर 6, वॉर्म टनल सिस्टम। दोस्तों इस सिस्टम में गाय को इस टनल में छोड़ा जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ये टनल आगे से तंग होता जाता है और फिर आखिर में इतना हो जाता है कि एक वक्त में वहाँ से सिर्फ एक ही गाय गुजर सकती है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ज्यादा तादाद में गाय को गिनना होता है तो ये टेक्नोलॉजी काम आती है। नंबर 7, बुल ट्रीटमेंट केज। दोस्तों इस मशीन में बुल का ट्रीटमेंट किया जाता है क्योंकि दोस्तों बुल काफी ताकतवर जानवर होता है और ये कभी भी हमला कर सकता है। सबसे पहले इसमें बुल को फंसाया जाता है और फिर किसी भी तरह की ट्रीटमेंट की जाती है। नंबर 8, मॉडर्न काफ हच। दोस्तों ये एक ऐसा कमाल का इन्वेंशन है जो कई लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है। जिन लोगों के पास ज्यादा जगह नहीं है वो अपने बछड़ों को बहुत ही साफ सुथरी जगह पर रखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। दोस्तों ये काफी ज्यादा साफ सुथरा होता है जो कि बछड़ों को बीमार होने से भी रोकता है और इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि आप चाहें तो इसमें अलग अलग एक एक बछड़ा रख सकते हैं और अगर चाहें तो सबको इकट्ठा भी कर सकते हैं। नंबर 9, बोतल फीडिंग। दोस्तों इस सिस्टम में गाय के बछड़ों को दूध पिलाया जाता है। इनको इन बोटल्स में दूध दिया जाता है। इनमें पानी भी दे सकते हैं या फिर अगर कोई दवाई देनी हो तो वो भी इन बोटल्स में डालकर गाय या इनके बछड़ों को दी जा सकती है और इस सिस्टम के इस्तेमाल से वक्त की काफी बचत होती है। अगर ये मशीन नहीं होती तो ये काम घंटों का होता। नंबर 10, प्लीज EHF। दोस्तों बकरियों को सूखी घास पर रखा जाता है लेकिन ये इस पर पेशाब कर देती हैं, जिसके बाद काफी ज्यादा बदबू आती है और घास गीली हो जाती है जिसकी वजह से बकरियां यहाँ पर बैठ नहीं पाती, इसलिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सूखे घास को डाला जाता है और इसमें रोल ब्लेड्स लगे होते हैं जो घास को काटते चले जाते हैं और नीचे फेंकते चले जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।